आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सिंपल एंड क्विक मेकअप। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेहा नवनीत में। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सिंपल एंड क्विक मेकअप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट भी कर दें कि मैं अगला वीडियो कौन सा लाऊं। आहा, एक मिनट, वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें क्योंकि मैं बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप मेकअप। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें एंड स्किप बिल्कुल ना करें। तो मैं फेस वॉश लगा के यहाँ पे आई हूँ, बिकॉज फेस वॉश तो मैंने वॉशरूम में लगाया था। अब मैं फेस वॉश के बाद लगाऊंगी टोनर। टोनर को अच्छे से हाथों पे ऐसे कर लेंगे। मैं आपको बता रही हूँ मैंने टोनर कौन सा यूज़ किया है, लॉरियल पेरिस का रिवाइटल लिफ्ट। इन सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हो और जिन्हें नीड हो वो मंगवा भी सकते हो। फेस वॉश के बाद हम टोनर लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि उस फेस वॉश करने के बाद हमारे पोर्स ओपन रहते हैं, तो उसे क्लोज़ करने के लिए हमें टोनर के यूज़ करने पड़ते हैं। अब हम यूज़ करेंगे ये हमारा एब्सोल्यूट अर्गन ऑयल का फेस लोशन। ये मैंने फेस लोशन लगा लिया। अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। किसी भी मेकअप से पहले आप प्राइमर ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि प्राइमर जो है वो अदर मेकअप जो भी होता है, फाउंडेशन, कंसीलर, उसके जो कोई भी केमिकल होते हैं वो अंदर आपके पोर्स में अंदर जाने से रोकता है। तो आप बिल्कुल ही प्राइमर का यूज़ करें, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेकअप से पहले। तो मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ मैवलिन न्यूयॉर्क का। ये मैवलिन न्यूयॉर्क का तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक मेकअप बताने वाली हूँ, सिंपल भी हो और देखने में भी ज़्यादा हेवी मेकअप ना लगे। मतलब कोई और देख के ये ना बोले यार कितना ज़्यादा मेकअप करके, ओवर मेकअप करके आया है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो मैं क्विक एंड जल्दी वाला मेकअप आपको बता रही हूँ, जो भी हो वट एवर। कंसीलर यूज़ करेंगे, कंसीलर को इस तरीके से रोल करेंगे तो इसमें से आएगा बाहर। इस सारे प्रोडक्ट की जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अगेन बोल रही हूँ डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। अब इसको आप हाथ की हेल्प से लगाओ, ब्रश की हेल्प से लगाओ या फिर ब्लेंडर की हेल्प से लगाओ, आप जिस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो उस चीज़ के साथ लगा सकते हो। तो मैं हाथ के साथ लगा रही हूँ। कंसीलर को हम उस जगह पर फिल करेंगे जहाँ पे हमारे या तो किसी भी वजह से डार्कनेस हो या फिर कोई स्पॉट्स हो। कंसीलर हमारे फेस को इन्हेंस करता है, इसीलिए हम कंसीलर यूज़ करते हैं। अब एक ब्लेंडर की हेल्प से इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मैं कंसीलर ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे फेस में ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं हैं, इस वजह से जिनके फेस में ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं वो ये कंसीलर अच्छे से यूज़ करें एंड अच्छे से ब्लेंड करें ताकि वो छिप जाए। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो कंसीलर मैंने लगाया था, जो अप्लाई किया था, वो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। मेकअप डन, यहीं पे डन? नहीं, सिंपल तो बताया था बट
हो गया, अब हम इसके बाद फाउंडेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब फाउंडेशन भी लगा लेंगे एंड ये वो सब लगा लेंगे फिर तो वो सारा ही मेकअप हो गया। अब मैं इसके बाद ज़्यादा कुछ भी नहीं, अब इसके बाद मैं फाइनल चलती हूँ कॉम्पैक्ट पे। मैं ब्रश की हेल्प से इसको लगा रही हूँ, बट ब्रश की हेल्प से जब भी यूज़ करें तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा डस्ट जो होते हैं उसको ऐसे करके झाड़ ले ताकि कहीं भी ज़्यादा ओवर ना हो। इसलिए अगर आप थोड़ा सा नेक वाली कोई चीज़ें पहनते हो, जो थोड़ा जैसे ब्लाउज़ आप पहनते हो तो जिसकी नेक थोड़ी बड़ी होती है, तो आप वहाँ पर भी एक बार आप फाउंडेशन या कंसीलर या फिर कॉम्पैक्ट कुछ भी आप एक बार यूज़ कर लेना, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट ना दिखे। अभी डन। अगर आपको आई मेकअप नहीं करना है या फिर तो फिर आपका मेकअप हो गया डन, और नहीं तो आप थोड़ा बहुत आई मेकअप भी कर सकते हैं। तो मैं आपको आई मेकअप के साथ दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे कंसीलर लगाया हुआ है जो कि मैं आपको दिखाई हूँ। तो अभी मेरा ड्रेस जो है थोड़ा सा पिंक में, बेबी पिंक है, तो मैं इसमें से सेलेक्ट करूँगी ये वाला, ये थोड़ा सा बेबी पिंक सा है। किसी भी आई मेकअप को करने से पहले यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ले जाएंगे। आज की आउटफिट मेरी वेस्टर्न है, सो मुझे ज़्यादा विंग्स वाले इस पर नहीं अप्लाई करने हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा इस पर। मैंने आज ज़्यादा विंग्स नहीं निकाले हैं क्योंकि आज जो मेरी आउटफिट है उसके साथ ये ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, इसलिए मैं आज ऐसा लाइनर लगाई हूँ सिंपल सा, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आपको मैं फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि मेरा ड्रेस कौन सा है जिसके साथ मैं ऐसा मेकअप कर रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई कि जब भी आप आउटफिट पहन रहे हो वेस्टर्न आउटफिट, तो उसके साथ आपको ज़्यादा कलर का ये आई शेडो करने की उतनी नीड नहीं होती है, क्योंकि वो जितना सिंपल रखोगे उतनी ज़्यादा निकल के आएगी, एलिगेंट लगोगे तो ऐसा अच्छा लगता है। इस वजह से मैं सिर्फ लाइट पिंक ही लगाई हूँ आईज़ पे, जैसा कि आप देख सकते हो मैं एक ही कलर अप्लाई की हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी, बहुत ही ध्यान से मस्कारा को अप्लाई करें, नीचे ना लग जाए वो ना सारा मेकअप। मैं नीचे भी लगाऊंगी बट थोड़ा सावधानी से, आप भी लगाएं बट थोड़ा सावधानी से। डन। मैं इस पे आईलैशेस यूज नहीं करूंगी। तो फाइनली मेरा मेकअप हो चुका है डन। मैं बाल बनाई हूँ ऑफ कैमरा, बाकी सारे मेकअप आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो कैसा लगा मेरा क्विक एंड सिंपल मेकअप? ये आप घर में भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके का सिंपल मेकअप, और आप बाहर भी यूज़ कर सकते हो किसी वेस्टर्न आउटफिट के साथ या सिंपल सूट के साथ भी यूज़ कर सकते हो। एंड बहुत ही क्विक है, बहुत ही जल्दी है, एंड मैं आज मेकअप के साथ साथ थोड़ा बहुत मस्ती भी करते हुए चली हूँ आपके साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना, और भी मैं वीडियो लाऊंगी तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें ताकि मैं और भी नई नई वीडियोज़ लाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
आपने देखा होगा मेरे फेस पे यहाँ पे कुछ दाने निकले हुए हैं, तो वो मेरा जो है परमानेंट दाने नहीं है, वो मेरे फेस पे अभी कुछ महीनों से आए हैं। एक्चुअली ये दवा के रिएक्शंस हैं, मैं कुछ दवा ले रही थी उसके ही रिएक्शन है, मैंने डॉक्टर से भी दिखाया है, तो बहुत जल्दी ठीक होगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड कॉमेंट भी कर दें, और फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगी, एंड बाय बाय।